सो हेलो एवरीवन, वैलोरेंट के अंदर एक न्यू एजेंट आया है जो कि एक सेंटिनल है और जिसका नाम है वाइस। तो चलो जानते हैं इसके बारे में और इसकी लॉन्च डेट भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी सिग्नेचर एबिलिटी से। ये एक फ्लैश टैप एबिलिटी है जो कहीं पर भी हाइड प्लेस कर सकते हो। वंस कोई इसकी रेंज में आएगा तो ये ऑटो फ्लैश ऑन हो जाएगा और इसको तुम साइफर के कैमरे की तरह रीडिप्लॉय भी कर सकते हो। बट ये फ्लैश जनरली लोग हेड एंगल या उसके ऊपर ही लगाएंगे, तो तुम इसे नीचे देख के इजीली डॉज कर सकते हो। इस एबिलिटी को हम देख भी नहीं सकते जब तक वो फ्लैश ऑन ना हो जाए। तो चलो अब बात करते हैं बाइंग एबिलिटीज की। तो स्टार्ट करते हैं क्यू एबिलिटी से, जो सबसे ज़्यादा यूनिक एबिलिटी है और वो है ये वॉल। इसे साइफर की ट्रिप की तरह प्लेस कर सकते हो। जब कोई एनिमी इसे पास करेगा तो उसके पीछे एक बड़ी सी वॉल क्रिएट हो जाएगी जो तोड़ी तो नहीं जा सकती, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये खुद डाउन हो जाएगी। बट इसका ट्रैप विजिबल होता है तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा वॉल का, और इसका एक ही चार्ज है तो तुम इसे एक ही बार यूज कर सकते हो। सो उसके बाद आती है हमारी सी वाली एबिलिटी, जो कि एक ग्राउंड ट्रैप है जो थोड़ा बहुत केजी की मॉली जैसा है कि दूर से तो तुम इसे नहीं देख सकते, बट पास आने पर थोड़ा बहुत सोन लगेगा। और इसे भी तुम्हें एफ से ही डेटोनेट करना पड़ेगा और ये तुम्हें थोड़ा स्लो भी कर देगा, बट तुम इससे इजीली निकल जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाइस के अल्ट की, जो काफ़ी अच्छा है। तो इसे यूज़ करते ही एक लिमिटेड एरिया में इसकी वाइन्स आ जाती हैं, जो भी एनिमी इसकी प्राइमरी गन्स हैं वो ट्रैप हो जाती है, तो अब उसे एनिमी यूज़ नहीं कर सकता। इसका कूलडाउन अराउंड 8 से 10 सेकंड का होता है, तो उतने टाइम तक एनिमी को सेकेंडरी गन से ही लड़ना होगा। आई थिंक कि इसे अपने इको राउंड में बेस्ट यूज़ करना अच्छा रहेगा, जिससे जिस साइड तुम अल्ट करोगे उस साइड एनिमी के पास भी वीकर वेपन हो जाएगा। और काय और वाइस का अल्ट का कॉम्बो तो बहुत अच्छा है क्योंकि उससे एनिमीज की एबिलिटी और गन्स दोनों चली जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाइस, जो कि एक सेंटिनल है और इसकी रिलीज डेट हो सकती है 27 से 28 अगस्त। सो कमेंट में बताना तुम्हें ये एजेंट कैसा लगा और क्या तुम इसे अपना मेन एजेंट बनाओगे। बाय।